हेलो फ्रेंड, यूजीसी नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल में यह वीडियो एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम के द्वारा नॉन टीचिंग पोजीशन के 17 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि इन पदों पर आप इंटरेस्टेड हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस विज्ञप्ति में जो पदों का विवरण है उसमें जो सीरियल नंबर 1 पे डिप्टी लाइब्रेरियन का पद है, फील्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी लाइब्रेरी है, लेवल 12 है, 79,800 से लेकर 131,700 रुपये सैलरी है, एज लिमिट 50 साल है और कुल 1 पदों का आवेदन आमंत्रित किया गया है। सीरियल नंबर 2 में जो पद है वो ऑफिसर आईटी का है, जिसमें नेटवर्क इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। सेक्शन आईटी सेक्शन है, लेवल 11 है, 67,700 से लेकर 208,700 रुपये सैलरी है, एज लिमिट 40 साल है और कुल 3 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। सीरियल नंबर 3 में जो पद है वो टेक्नीशियन के लिए है, डिपार्टमेंट केमिकल या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, लेवल 3 है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये सैलरी है, एज लिमिट 35 साल है और कुल 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। सीरियल नंबर 4 में टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, जो एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, लेवल 3 है, 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है, एज लिमिट 35 साल है और कुल 5 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। सीरियल नंबर 5 में जो हमारा पद है लैब असिस्टेंट के लिए है, जो डिपार्टमेंट केमिकल या मैकेनिकल पेट्रोलियम या इंजीनियरिंग एर्थ साइंस कंप्यूटर साइंस है, लेवल 3 है, सैलरी सेम है, 21,700 से लेकर 69,100 है, एज लिमिट भी सेम है, 35 साल है और कुल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो अगला हमारा सीरियल नंबर 6 में जो पद है ये सेक्रेटरी रजिस्ट्रार के लिए है, सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेवल 3 है, 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है, एज लिमिट 35 साल है और कुल 1 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से कुल 17 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि आप इन पदों पर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो डिप्टी लाइब्रेरियन का पद है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए या इक्विवेलेंट CGPA एंड ग्रेड पॉइंट स्केल इन क्वालिफाइड डिग्री एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, कम से कम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद पे और लेवल 10 पे होना चाहिए, डिजाइवर में MPhil या PhD डिग्री होनी चाहिए, डिजाइवर करके दिया हुआ है। डिटेल जानकारी के लिए आप इसमें पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल एक बार फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। जो अगला पद है वो IT सेक्टर में है, ऑफिसर IT के लिए कुल 3 पद है, इसमें क्वालिफिकेशन BTech या MSc डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए या MSc आपके पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं 60% मार्क्स के साथ या ME या MTech या MS डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा रिलेवेंट भी दिया है जो डिटेल आप देख सकते हैं, डिजाइवर भी इसमें करके दिया है, डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला जो पद है IT ऑफिसर सिस्टम इंजीनियर के लिए है, उसमें क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही मांगा है लेकिन 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, डिटेल जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए या पढ़ सकते हैं। जो अगला पद है वो ऑफिसर IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, इसमें भी क्वालिफिकेशन बी या BTech या MSc डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में या MCA होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ या ME, MTech या MS डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन सेम है, डिटेल आप देख सकते हैं।
जो अगला पद है वो टेक्नीशियन के लिए है, नंबर आप पद दो है। इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट वो 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस से संबंधित तो जो जानकारी है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डिटेल जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, या 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट फील्ड आफ्टर 10वीं पास का होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। डिटेल जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा पद है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बी ए टेलिस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA इन ग्रेड पॉइंट स्केल क्वालिफाइड डिग्री और एट लीस्ट 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन वन या मोर इन द फॉलोइंग एरिया। जो एरिया इसमें दिया है रिलेवेंट एक्सपीरियंस का, जो आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा पद है लैब असिस्टेंट के लिए है, जो कुल 5 पदों पे है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या अदर, डिटेल इसमें दिया है जो आप डिटेल पढ़ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इसमें भी बी या बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग संबंधित क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का तो भी आप एलिजिबल हैं। डिटेल जानकारी आप एडवर्टाइजमेंट से ले सकते हैं। लैब असिस्टेंट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के मिले जो पद है, उसमें क्वालिफिकेशन सेम है, यानी बैचलर डिग्री इन साइंस या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। अगला जो पद है लैब असिस्टेंट अर्थ साइंस के लिए है, इसमें भी बैचलर डिग्री साइंस या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट अप्रोप्रिएट फील्ड इन 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA ग्रेड स्केल क्वालिफाई सब होना चाहिए आपके पास। जो अगला जो हमारा पद है लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, जिसमें क्वालिफिकेशन सेम है, एक बार आप डिटेल पढ़ सकते हैं। जो सीरियल नंबर 6 पे जो हमारा पद है वो सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार के लिए है, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बी एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA इन ए ग्रेड पॉइंट स्केल इन क्वालिफाइड डिग्री बी एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन पर्सनल सेक्रेटरियल पोजिशन इन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अदर डिटेल इसमें दिया है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है इसको आप पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फिल करना है, इसके बाद इसमें एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। जो अभी मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, उससे पहले जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो डिटेल दिया है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट। इसमें इसको आपको ध्यान रखना है कि नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज छूट है वो आप देख सकते हैं। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो 30 जून 2021 है, 30 जून 2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर जो सेंड करने यानी पहुंचने का जो दिनांक है वो 7 जुलाई 2021 है, 7 जुलाई 2021 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो एड्रेस दिया है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जो एड्रेस है इसमें द रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी 2nd फ्लोर मेन बिल्डिंग AU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश करके एड्रेस दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने से पहले जो एनवलप है उस पर आपको पोस्ट मेंशन करना है जो इसमें दिया है।